समय कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहा है। देश में बड़ी संख्या में कोरोना वायरस के मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा युवा प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में एक्सपर्ट यह दावा कर रहे हैं कि भारत में कोरोना वायरस की तीसरी लहर भी आ सकती है, जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। ऐसे में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने सरकार की धीमी वैक्सीन प्रक्रिया को लेकर हमला बोला है। राहुल गांधी ने वैक्सीनेशन की धीमी प्रक्रिया पर ट्वीट करते हुए लिखा कि भारत सरकार की खराब वैक्सीन नीति से देश में तीसरी लहर सुनिश्चित कर रही है। आगे उन्होंने कहा कि इसके लिए हमें पर्याप्त इंतजाम करने होंगे, सदृढ़ वैक्सीन नीति को अपनाना होगा। आपको बता दें, इससे पहले भी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी केंद्र सरकार की वैक्सीन नीति पर हमला बोल चुके हैं। उन्होंने पहले कहा था कि केंद्र सरकार की वैक्सीन नीति समस्या को और बढ़ा रही है और बिगाड़ रही है, जिसे भारत झेल नहीं सकता। वैक्सीन की खरीद को केंद्र सरकार को करना चाहिए और वितरण की जिम्मेदारी राज्यों को दी जानी चाहिए। जुड़े रहिए SBN News के साथ। धन्यवाद।